डीसीएस के महाविद्यालय मऊ के छात्र छात्राओं ने गुरुवार की सुबह को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर गेट के सामने धरने पर बैठ गए और विद्यालय प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आए दिन विद्यालय बिना सूचना के बंद कर दिया जाता है। इस दौरान दूर से आए छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मांगों को लेकर अटल रहे। छात्र का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो इसी तरह हमारी हड़ताल चलती रहेगी। हम लोग लोफर है, छात्र पापा, हम लोगों के पापा टाली और ट्रैक्टर चलाकर टेम्पू चलाकर देते हैं, बेटा जाओ एडमिशन करा लो। यहाँ पर आते हैं कहाँ से? हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े, बताइए, 10,000 फीस देकर कहाँ से पढ़ेंगे? ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लो। क्यों करा? लिखा लिखा किसी कार्य के लिए जाते हैं तो सस्पेंड करने की प्राइवेट कर नहीं थी कि छुट्टी है कॉलेज। बाकी सभी छात्र छात्राएं यहाँ अपना भरा लगा के कॉलेज में आए, अचानक कॉलेज जाने के बाद यहाँ बदतमीजी की तरह लड़कों से बात किया। जब हमने उसको फोन किया कि भाई कॉलेज क्यों बंद है, तो उसने कहा कि आप जाकर प्रिंसिपल से बात करो। मैंने प्रिंसिपल सर से बात किया, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने धरने के लिए लड़े हुए हैं, हम लोग की अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, इसके लिए हम लोग धरना दिया। हम कह सर हम लोग को कोई नोटिस मिली थी? अगर आपको नोटिस दे रही थी तो एक दिन पहले दे रही होते। कम से कम बच्चे जो 10-15 रुपया लगा के आ रहे हैं और हम लोग यहाँ अपनी पूरी फीस भर रहे हैं, हम लोग की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हुआ बात? आज हुआ क्या? उसी को लेकर हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हम लोग की कॉलेज जब तक ये लोग 1 तारीख तक कॉलेज बंद है और जब तक कॉलेज खुलेगा नहीं हम लोग घर में बैठे, बिना मतलब बिना बताए हमेशा जब चाहे लोग कॉलेज बंद कर देते हैं। कि कॉलेज प्रशासन पैसे बढ़ाने के लिए जो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर जो 1-1.5 लाख रुपए पा रहे हैं, वो पैसे बढ़ाने के लिए 2-2.5 लाख करने के लिए बार-बार कॉलेज को बंद कर दे रहे हैं। उसे जो पैसा 1-1.5 लाख 2-2.5 लाख रुपए करने के लिए ये कॉलेज बार बार बंद कर दे रहे हैं। और हम लोग की जब मांग दी जाती है वो परीक्षा से 1 महीना पहले दी जाती है और जो बुक है 1998 और 91 की है। एक महीना पहले या तो 2 महीना पहले पुरानी किताबें मिलती है, टॉयलेट साफ रहते हैं सब। श्वेता भारती। कौन से? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर बी ए। हाँ क्या है?